हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैट वर्कशॉप चैनल। ऑटो कैट की इस एक्सरसाइज सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैट वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। हमेशा की तरह ऑटो कैट की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे अपनी जो भी ऑटो कैट की फाइल है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें मालूम है। तो यहाँ पे एक आप देख लोगे कि यहाँ पे आपकी जो भी टीथ है उसकी टीथ की यहाँ पे डिटेल दे रखी है। साथ ही में यहाँ पे आपके अलग अलग हर सर्कल के यहाँ पे रेडियस दे रखे हैं। ठीक है, ओके, ठीक। आप सेंटर पॉइंट है तो हम यहाँ पे सेंटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर आपका सर्कल है इसका रेडियस यहाँ पे दे रखा है 40, उसके बाहर वाले का रेडियस दे रखा है 52। तो हम यहाँ पे ऑटो कैड ओपन करते हैं, सर्कल लिया, सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट हमने क्लिक किया और रेडियस दे दिया 40। ठीक है, फिर अगेन मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट दिया और रेडियस 52। ओके, सो मेरे यहाँ पे दो सर्कल इस तरह से बन गए। बाकी यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे से सर्कल बने हुए जो कि यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5 और यहाँ पे एक सर्कल का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है इसके क्वाड्रेंट पे। तो हम यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करते हैं, सर्कल लिया मैंने अगेन, सेंटर रेडियस और रेडियस यहाँ पे दे दिया मैंने 5। तो आपका सर्कल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे टोटल ऐसे कितने सर्कल बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, हमने यहाँ पे लिया पोलर एरे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया एंड सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम 6। ओके डन, ये आपका हो गया क्रिएट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये वाले सर्कल जो है, ये वाला जो कट है, इस सर्कल का रेडियस यहाँ पे दे रखा है 113। तो यहाँ पे मैं अगेन ऑटो कैड ओपन करता हूँ, सर्कल लो लिया, सेंटर रेडियस और 113 का मैंने सर्कल इस तरह से क्रिएट कर लिया। अगेन इसके बाहर वाले का यहाँ पे रेडियस दे रखा है 128। तो अगेन ऑटो कैड, सर्कल, सेंटर पॉइंट एंड रेडियस 128। ओके, फिर इसके बाद क्या, अगर मैं देखता हूँ सर्कल तो यहाँ पे आपका सबसे आउटर वाले का दे रखा है 136। तो अगेन ऑटो कैड, सर्कल, सेंटर रेडियस एंड 136, 136 आपका ये आ गया इस तरह से। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो टीथ है इस टीथ को बनाना है। तो इस टीथ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें इसका रेडियस दे रखा है 5, राइट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये टिपिकल पार्ट है आपका। ठीक है, आपका ये वाला जो आर्क है इसमें, ये वाला जो आर्क है इसका यहाँ पे रेडियस दे रखा है 128 और इसके बाद यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5, यानी कि ये डिस्टेंस जो हमारी है ये भी 5 होगी, यानी कि 128 से 5 और हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करते हैं, ऑटो ऑफसेट और 5 डिस्टेंस से मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। सॉरी, इस वाले को नहीं करना है मुझे, मुझे करना है इसको ऑफसेट 128 वाले, वहाँ ओके 128 वाले को मुझे करना है, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो है, यानी कि ये वाला जो है। ठीक है, ऑफसेट 5, एंटर, और इसको मैंने 5 डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको हम जरा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें पता चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डिटेल दे रखी है कि ये जो है इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है 18.5 की। सो हम यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करते हैं, लाइन कमांड लिया, इसके क्वाड्रेंट पे आए और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऑर्थो ऑन करके 18.5। तो आपके पास ये लाइन आ गई। फिर अगेन यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5, ये आपका 5 रेडियस दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे सेंटर रेडियस लेता हूँ सर्कल। तो यहाँ पे मैंने सेंटर रेडियस सर्कल लिया और इस पॉइंट से मैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ 5 का, राइट। फिर अगेन यहाँ पे लाइन कमांड लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टेंजेंट, और फिर अगेन लाइन कमांड लिया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मैंने टेंजेंट कर दिया इस तरह से कुछ। अब ये जो टीथ आपका है ये आपका देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे आउटर रेडियस तक आया, यानी कि रेडियस 136 तक आया है। ठीक है, तो हम इसको EX डबल एंटर और इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ ट्रिम कर, एक्सटेंड कर देते हैं, सॉरी। फिर TR डबल एंटर और जो एक्स्ट्रा पार्ट है फिर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रिम, और अगेन TR डबल एंटर, इसको हम ट्रिम कर देते हैं और ये पार्ट को हम डिलीट। फिर अगेन TR डबल एंटर, ये सर्कल वाला पार्ट है इसको हम भी यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक आपका ये इस तरह से बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोलर एरे, सेंटर पॉइंट दिया मैंने और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दे रखे नंबर ऑफ आइटम्स 65।
अगेन मैंने ऑटोकैड ओपन किया, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए 65, तो कुछ इस तरह से देखिए आपका क्रिएट हो गया एंड क्लोज एरे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसको हम TR डबल इंटर से सिंपली इस तरह से एक एक करके जल्दी जल्दी ट्रिम कर लेते हैं। चलिए इसको मैं ओके, सो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ ट्रिम कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, अगर मैं ऑटो कैड की ड्राइंग ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो आर्क है ये आपको दे रखा है और मुझे इस वाले की यहाँ पे जरूरत अभी नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद ये वाला जो सके इसको भी हमें ट्रिम करना है, तो इसको हम डिलीट कर, या तो ट्रिम कर लीजिए या तो सिंपली आप डिलीट कर दीजिए, तो इस तरह से देखिए आपका ये आ जाएगा। अभी क्या करना है यहाँ पे इसके बाद कि ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे देखो मेंशन है, आपकी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 45 है और ये आपकी 49 है। तो मैंने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, ऑटोकैड ओपन किया, लाइन कमांड लिया और यहाँ से डिस्टेंस है 45 एंड जो सेकेंड वाली डिस्टेंस है वो 49, 49 मैंने इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया। फिर अगेन यहाँ पे ये जो दे रखा है ये चीज यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है, बट ये एंगल जो आपको यहाँ पे है ये 30 डिग्री पे है आपका, तो मैंने यहाँ पे ऑटो कैड ओपन किया, लाइन कमांड लिया और यहाँ से एट द रेट लेंथ हम सपोज एट 50 ले लेते हैं और लेस देन एंगल दे दिया हमने 30, तो इस तरह से आपके आ गया ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड कमांड से, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कमांड से इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और TR डबल इंटर से ये लाइन को हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लेते हैं फिलेट कमांड, फिलेट में यहाँ पे हम रेडियस लेते हैं और रेडियस को दे देते हैं 9.5, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन कुछ 9.5 तीनों पॉइंट पे, तो यहाँ पे इससे और ये आपका 9.5, एफ एंटर, इससे इससे 9.5, अगेन एफ एंटर और ये आपका 9.5। TR डबल इंटर जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली ट्रिम कर देते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसको हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोलर एरे लिया और सेंटर पॉइंट से इसको मैंने एरे करा दिया, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 6 एंड क्लोज। सो इस तरह से यहाँ पे आपकी ये सिंपल सी ड्राइंग इस तरह से क्रिएट हो गई है। अभी मुझे यहाँ पे जैसे सेंटर लाइन वगैरह क्रिएट करना है, तो सेंटर लाइन के लिए हम यहाँ पे सिंपली लाइन कमांड लेते हैं और यहाँ से एक सेंटर लाइन इस तरह से क्रिएट की और इसको भी यहाँ पे इस तरह से कुछ आर ओ एंटर रोटेट, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया और इस तरह से मैंने इसको रोटेट करा दिया। ओके, कॉपी कमांड नहीं लिया था यहाँ पे मैंने, तो आर ओ एंटर अगेन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, कॉपी पे क्लिक किया और 90 डिग्री पे इसको मैंने रोटेट करा दिया। अगेन यहाँ पे हम जाते हैं लेयर्स पे, यानी कि लाइन टाइप पे, अदर पे गए और यहाँ पे लोड और यहाँ पे हम लेते हैं सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन यहाँ से मैंने पिक किया, ओके किया एंड ओके, इन दोनों लाइंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेंटर लाइन दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में अगर आप यहाँ पे डायमेंशन इनपुट करना चाहते हो तो डायमेंशन भी हम यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को पूरा पूरा क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।